नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलेंस में। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे हुए जनरल फिजिक्स के सारे प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें 1000 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का हम सीरीज लेकर आए हुए हैं, जिसका ये आज का दूसरा पार्ट होगा। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। डेसिबल क्या है? एक संगीत वाद्य, शोर का तरंगदैर्ध्य, संगीत का एक स्वर, ध्वनि स्तर का एक माप। तो दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर है ये हो जाएगा डी, ध्वनि स्तर का एक माप है। दोस्तों, ध्वनि तीव्रता का ऐसा ही मात्रक जो होता है वह डेसिबल होता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, दो नंबर देखते हैं। सुदूर समयोधि युक्ति में एक अंतर्निर्मित स्रोत क्या होता है? एक्स किरण, गामा किरण, पराबैंगनी किरण और रक्त किरण। तो दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर है ये हो जाएगा डी, और रक्त किरण। दोस्तों, ये जो हमारा सुदूर संवेदी तकनीक का उपयोग जो होता है मौसम, वातावरण, कृषि तथा भूमि संबंधित आंकड़ों को एकत्र करने के लिए किया जाता है। इसमें अंतर्निर्मित स्रोत जो होता है उसमें अवरक्त किरण होता है। कौन सी किरण होता है? अवरक्त किरण होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, तीन नंबर। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? सूर्यताप से, चालन से, विकिरण से और संवहन से। तो दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर है ये हो जाएगा सी, विकिरण से। दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर। एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहा जाता है? परिणाम मित्र कहते हैं, दिष्टकारी, प्रेरण तेल कहते हैं या डायनेमो कहते हैं। तो दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर है ये हो जाएगा बी, दिष्टकारी। दोस्तों देखिए, जब धारा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता रहता है या एक ही दिशा में होता है तो उसे हम लोग दिष्ट धारा अर्थात डीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसी कहते हैं। और जब धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समानांतर रूप से आगे और पीछे होता है तो उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा एसी कहते हैं। तो इससे इतनी जानकारी मिल जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पांच नंबर। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? अवरक्त किरण, गामा किरण, एक्स किरण या बीटा किरण। तो दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर है ये हो जाएगा अवरक्त किरण, ए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, जो अवरक्त किरण की तुलना में जो पराबैंगनी किरण में ऊर्जा अधिक जबकि एक्स किरण एवं गामा किरण की अपेक्षा कम होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, छः नंबर। पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या होता है? अल्टीमीटर, अनीमोमीटर, क्रोनोमीटर या डोजीमीटर। तो दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर होगा ये हो जाएगा बी, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर इसका सही आंसर है। दोस्तों, ये जो अल्टीमीटर दिया हुआ है इसे उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, अल्टीमीटर का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सात नंबर। गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा किसने दिया था? काफ़ी आसान प्रश्न है जो कि एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है प्रीवियस ईयर का। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दिया था? न्यूटन, आर्किमिडीज, गैलीलियो या फैराडे। तो दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर है ये हो जाएगा न्यूटन ने दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आठ नंबर। त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर या जिंक। तो दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर है ये हो जाएगा सी, कॉपर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, नौ नंबर। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि हाइड्रोजन का जो गुब्बारा होता है ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि ऊंचाई में कमी से वायु का दाब घटता है, वजन में कमी से वायु का दाब घटता है, गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु की वजह से कम होता है, गुब्बारे के भीतर का दाब उसके बाहर के दाब से अधिक होता है। तो दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर है ये हो जाएगा सी, गुब्बारे का जो वजन होता है उसके द्वारा विस्थापित वायु की वजन से कम होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, दस नंबर। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका चार और चार लेंस का नाम दिया हुआ है, बेलनाकार लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या द्विफोकसी लेंस। तो दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर है ये हो जाएगा ए, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जब हमको अबिंदुकता हो जाता है तो यह
यह दोष जब होता है तो नेत्र लेंस के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें नेत्र क्या होता है, नेत्र के द्वारा क्षैतिज तो देख पाता है परंतु ऊर्ध्वाधर नहीं देख पाता, या फिर ऊर्ध्वाधर नहीं देखता है तो क्षैतिज नहीं देख पाता है, कोई एक हो जाए। ऊर्ध्वाधर देखेगा तो क्षैतिज नहीं दिखाई देगा, क्षैतिज दिखाई देगा तो ऊर्ध्वाधर नहीं दिखेगा, इसको अबिंदुकता दोष में यही लक्षण होता है, इसी से होता है। उसके उपाय क्या है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके इसका ठीक किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर। अति चालक भी तत्व है, इसके चार ऑप्शन दिया हुआ है। अति चालक कौन सी तत्व है जिनकी चालकता धातुओं और रोधियों के बीच में होती है, जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून ताप मान पर लगभग शून्य हो जाता है, यह शून्य है, ही शून्य हो जाता है, जो बहुत न्यून तापमान पर रोधी बन जाते हैं, जो विद्युत का चालन केवल उच्च तापमान पर ही करते हैं। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है ये हो जाएगा, जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है, इसका सही आंसर है। जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून ताप पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, बी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं, एक ही आवृत्ति की, एक ही आयाम की, एक ही कला की, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है ये हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी की, उपयुक्त सभी की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है, लोहा का टुकड़ा, जल का, स्वर्ण का टुकड़ा, या बेंजीन का। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है ये हो जाएगा बी, जल की जो होती है विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, अर्थात ऊष्मा धारिता अधिक होती है। दोस्तों देखिए जल की जो विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है, और जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ती घटती रहती है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है ये हो जाएगा बी, घटती है। दोस्तों देखिए दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर। रेडियो प्रसारण के संदर्भ में एएम का पूर्ण रूप क्या है, एएम का पूर्ण रूप क्या है, इसके चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है उसका फुल फॉर्म एएम का यही होता है, चार डी नंबर इसका सही आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर। पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है, पीले रंग का जो पूरक रंग होता है वह कौन सा है। तो दोस्तों इनका चार ऑप्शन दिया हुआ है, नीला, हरा, नारंगी या लाल। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है ये हो जाएगा ए, नीला। दोस्तों देखिए जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें हम पूरक कहते हैं, कब, जब दो कोई भी रंग मिल करके श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें हम पूरक रंग कहते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारा नीला रंग हो गया, कौन सा रंग, नीला प्लस पीला मिलता है तो क्या बन देता है, सफेद रंग दे रहा है, सफेद रंग दे रहा है। तो ये जो पीला रंग, देखिए ये जो पीला रंग है ये नीला, एक दूसरे के पूरक हैं, ये दूसरे के पूरक हैं। उसी प्रकार हरा और मैजेंटा होता है वो सफेद रंग देता है, लाल हरा नीला जो होता है वो भी सफेद रंग देता है। दोस्तों ये देखिए जो लाल हरा और नीला जो होता है, कौन सा, लाल हरा और नीला, ये जो रंग होता है तीन, इसका उपयोग किया जाता है कहाँ, रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल हरा
एवं नीला का उपयोग किया जाता है। लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग भी कहा जाता है और जिसका उपयोग टेलीविजन में, रंगीन टेलीविजन में किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर। इस कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, जब कपड़ा धोते हैं तो हम लोग नील का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं? इसके 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बेहतर मार्जन क्रिया के कारण, सभी वर्ण संयोजन के कारण, अति अति उज्ज्वल स्वरूप के कारण, बहुत कम दाम के कारण। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है ये हो जाएगा बी, सभी वर्ण संयोजन के कारण। दोस्तों देखिए, सफ़ेद कपड़ा में गंदगी के कारण पीलापन आ जाता है, और जब हम ऐसे कपड़ों में नील डालते हैं तो होता क्या है कि अभी हमने ऊपर एक प्रश्न देखे थे कि नीला और प्लस पीला ये क्या हो जाएगा, सफ़ेद रंग देगा। नीला और पीला को जब लाएंगे तो ये सफ़ेद रंग देगा, में बदल जाएगा, सफ़ेद रंग में बदल जाएगा नीला पीला, फलस्वरूप कपड़े में जो सफ़ेदी आ जाएगी नील मिला देने से, नीला और पीला ये पीलापन आ गया है कपड़ा में, आए नीला मिला दिए तो कपड़ा पूर्ण रूप से सफ़ेद ही दिखेगा, सफ़ेदी आ जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है ये हो जाएगा भी स्थितिज ऊर्जा। देखिए, किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा कभी कभी पूछ दिया जाता है कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, और उसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किया गया किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग की जो ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर। कक्षा में अंतरिक्ष यान में बाहरहीनता की अनुभूति का कारण क्या है, बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा ये हो जाएगा बी, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, 20 नंबर। ये जो थर्म, ये धर्म हो गया है, यहाँ पे थर्म यूनिट किसका है, यहाँ थर्म होगा, ये थ है, थर्म किसका यूनिट है? दोस्तों इसका भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, शक्ति का, ऊष्मा का, प्रकाश का या दूरी का? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है ये हो जाएगा बी, ऊष्मा का, जो 1 लाख ब्रिटिश यूनिट के समतुल्य होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।